हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है देवी टेक्निकल क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आपको एक टेस्ट सीरीज कराई जा रही है जिसमें कि 12 टेस्ट हैं, जिनमें से आपके 9 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं और बाकी 3 टेस्ट के भी जो डेट गिवन है उस पर अपलोड हो जाएंगे। पहले हालांकि कमिटमेंट नहीं था टेस्ट के सॉल्यूशन देने का, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर टेस्ट के सॉल्यूशन दीजिए जिससे कि हमें बेनिफिट हो सके। तो टेस्ट के सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो सभी टीचर जिनके जो सब्जेक्ट हैं वो उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कराएंगे। जैसे कि डिप्लोमा टेस्ट सीरीज टेस्ट 1 में मेरे जो सॉल्यूशन है 41 to 75, मैं उसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा हम सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नॉन टेक के भी फैकल्टी आके नॉन टेक के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके सीरीज आपके बना के आपको देगी, ठीक है ना। आपके ये वीडियोस में शो होंगे, ये आपके जितने भी सॉल्यूशन आएंगे इसमें आपको कंटेंट में वीडियोस डालेंगे हम, उसमें आपको ये शो होते जाएंगे, ठीक है। और सॉल्यूशन हम मैक्सिमम क्वेश्चन का देने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 to 75, जो कि मेरे ही सब्जेक्ट से हैं, ठीक है ना। मेरे ही सब्जेक्ट से हैं, सोम, सर्वे और सॉइल, ठीक है। तो शुरू कर रहे हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, देखिए, जहां पर आपके थियोरिटिकल क्वेश्चन होंगे ना, जब जो थियोरिटिकल क्वेश्चन है उनके जवाब हम थोड़ा डायरेक्टली ही देंगे, और जहां सॉल्यूशन वाले हैं, ठीक है ना, उनको हम पूरा सॉल्व करके आपको बता देंगे। तो शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, ठीक है ना, इन दोनों के बीच रिलेशन पूछा है। तो आप अच्छे जानते हैं ई बराबर होता है 2g1+μ, पॉइजंस रेशियो जो है म्यू है यहाँ पर, ठीक है ना। ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी सीएनजी से, इसको सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। और म्यू या 1/m जो है आपका पॉइजंस रेशियो है, म्यू या 1/m जो है आपका पॉइजंस रेशियो है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या है, ई इक्वल टू g1+μ, ये नहीं है, ई इक्वल टू जी इक्वल टू e2-μ, नहीं है, ई इक्वल टू 2g1+μ, यही आंसर है, ई इक्वल टू 3g1-2μ, नहीं है, ठीक है ना। ये तो इसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, जो ई इक्वल टू 3k1-2μ का रिलेशन होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 41 है उसका जवाब हो जाएगा ये जो सी ऑप्शन है, ई इक्वल टू 2g1+μ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, क्या कह रहा है। द एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम ऑफ गिवन मटेरियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल इज गवर्न्ड बाय। तो देखो, आप अगर देखो कि आपके पास आयलर से फॉर्मूले, आयलर के फॉर्मूले से बात करते हैं हम, फॉर्मूला जो है आयलर के फॉर्मूले से हम बात करते हैं। आयलर का फॉर्मूला जो है, क्या फॉर्मूला है आयलर का, पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है ना, पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल इफेक्टिव का स्क्वायर। यहां से आई को अगर मैं ए आर स्क्वायर लिख दूं, आई को अगर मैं ए आर स्क्वायर लिख दूं, ठीक है, आई को अगर मैं ए आर स्क्वायर लिख दूं, तो देखो ये आर को मैं नीचे ले आऊं, आर को मैं अगर नीचे ले आता हूं तो पाई स्क्वायर ई, या तो ऐसा करता हूं मैं इसको प्लेन पेज पे ले लेता हूं, ठीक है, प्लेन पेज पे ले लेता हूं। देखिए आपके पास आयलर का फॉर्मूला क्या है, पाई स्क्वायर ई आई एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है ना, आई को मैं ए आर स्क्वायर लिख रहा हूं, ठीक है, यहां से इस आर को नीचे लेके आ रहा हूं, तो ये हमारे पास हो गया स्लेंडरनेस रेशियो हो जाएगा एल इफेक्टिव ओवर आर इसका स्क्वायर, ठीक है, ये आपका, या फिर ये कह लो ऊपर नीचे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास पाई स्क्वायर ई आई ई ए ओवर लैम्बडा स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब ये आपका किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, या यहां से भी देखे तो किस किस पर डिपेंड हो रहा है, ई आई पर डिपेंड हो रहा है ये, ठीक है ना, ई आई फ्लेक्सुरल रिजिडिटी पर डिपेंड हो रहा है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम एक बार, ऑप्शन पढ़ते हैं क्या क्या ऑप्शन है उसके हिसाब से दिखा देखते हैं। देखिए, बोथ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एंड स्लेंडरनेस रेशियो, देखिए यहां पर फ्लेक्सुरल, यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन क्या क्या है, चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ इट्स मटेरियल ओनली, इट्स फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ओनली, इट्स स्लेंडरनेस रेशियो ओनली, और यहाँ पे दोनों आ गया, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी और स्लेंडरनेस रेशियो। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई आई को बताती है, अगर यहां पर देखे तो ई आई, ठीक है ना, हालांकि इस आई में वो आर भी शामिल हो गया, और वो जो मैंने अभी लैम्बडा लिखा था वो स्लेंडरनेस रेशियो हो गया। तो जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो आएगा बोथ फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एंड स्लेंडरनेस रेशियो, दोनों पर डिपेंड कर जाएगा, ठीक है ना, दोनों पर डिपेंड कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43,
क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ काउंटर फोर्स रिटेनिंग ऑल द टो स्लैब एक्ट एज, भैया टो स्लैब जो है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, वो एक्ट करेगी कैंटिलीवर बीम की तरह, ये सारे पार्ट कैंटिलीवर पार्ट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है ना। इनमें आपका जो सभी है स्टेम है टो स्लैब है, हील स्लैब है, ये सारे जो पार्ट है ये कैसे वर्क करते हैं, कैंटिलीवर बीम की तरह वर्क करते हैं, कैंटिलीवर बीम की तरह वर्क करते हैं। तो जवाब आ जाएगा कैंटिलीवर, ठीक है ना। टो स्लैब, हील स्लैब और आपका स्टेम, ये सब के सब कैसे वर्क करते हैं, कैंटिलीवर बीम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो आ जाएगा कैंटिलीवर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर ऑफ स्मॉल एल कैरिंग कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट फ्री एंड, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है डब्ल्यू एल क्यूब बाई थ्री आई। कैसे इसको निकालते हैं, तो देखिए आप जानते हैं अच्छे से कि भाई ये अपन पॉइंट लोड लगा देंगे और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं डब्ल्यू इंटू एल, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देते हैं डब्ल्यू इंटू एल, इसका एरिया और यहां से इसका सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड जो है 2/3L और ई आई से डिवाइड कर देना, तो इसका एरिया आ जाएगा 1/2, बेस एल, हाइट है डब्ल्यू एल, ठीक है, और सेंट्रॉइड है 2/3L, ये आपका आ गया डिफ्लेक्शन, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डब्ल्यू एल क्यूब बाई थ्री आई। क्वेश्चन नंबर 44 का हो गया है डब्ल्यू एल क्यू बाई थ्री आई। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, ए टी सेक्शन फ्लैंज एट टॉप इज यूज एज सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्म लोडिंग, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस फॉर ए गिवन लोड विल अकर। देखो इसमें आपका जो आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, आपको पता है कि न्यूट्रल एक्सिस से जिसकी दूरी ज्यादा होगी उस पर बेंडिंग स्ट्रेस भी ज्यादा होगा, यानी अगर मैं बात करूं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, आपको फॉर्मूला पता है बेंडिंग का, एफ अपॉन वाई इक्वल टू एम बटे आई इक्वल टू ई बाई आर, तो यहां से मैं बोल सकता हूं एफ बराबर एम बटे आई इंटू वाई। तो भाई अगर एम आई तो एक सेक्शन के लिए पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कांस्टेंट ले लिया, एम जो है अगर आपका किसी पर्टिकुलर सेक्शन में देखिए एम फिक्स हो गया तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वाई के। अब टी सेक्शन का जब आप न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे, ठीक है ना तो ये आपके पास न्यूट्रल एक्सिस आ गया, ठीक है ना। यहां पर जो ज्यादा दूरी किसकी है, बॉटम वाले की है, ठीक है ना। न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है, बॉटम वाला है। न्यूट्रल एक्सिस पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाएंगे तो भैया बॉटम पर मैक्सिमम आएगा, बॉटम पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से दूरी क्या है, अधिकतम है, तो बॉटम पर बेंडिंग स्ट्रेस क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो आपके पास जवाब आ जाएगा बॉटम पर, ठीक है ना, आपके पास जवाब आ जाएगा एट द बॉटम, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, एट द बॉटम आ जाएगा नेक्स्ट। तो आपके पास बॉटम ऑफ द सेक्शन, ये जवाब आ गया बॉटम ऑफ द सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, द मैक्सिमम ट्विस्टिंग मोमेंट टी ए शाफ्ट कैन रजिस्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस एंड। देखिए यहां पर परमिसिबल शियर स्ट्रेस एंड, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन चला के बनाया था, तो देखिए यहां पर कि आपके पास कह रहा है टी बटे जे इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू आर मैक्स, तो यहां पर t इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू जे बटे में आर मैक्स आ जाएगा। यहां पे जे बटे में आर मैक्स जो है इसको जेड पोलर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया जेड पोलर, ठीक है, ये हमारे पास हो गया है जेड पोलर, पोलर सेक्शन मॉड्यूलस। तो क्यू मैक्स को किससे गुणा करेंगे, पोलर सेक्शन मॉड्यूलस से गुणा करेंगे। तो ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास क्या क्या है, तो सेक्शन मॉड्यूलस है, पोलर सेक्शन मॉड्यूलस तो नहीं है, ठीक है ना। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं, नन ऑफ दीज। तो भैया जब इन तीनों में से नहीं है तो हमारा सही आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे होना था, पोलर सेक्शन मॉडुलस से होना था, पोलर सेक्शन मॉडुलस नहीं है, जो अपना जे बटे आर मैक्स आता है, जेड पोलर, इससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको। जो आपका सर्कुलर सेक्शन के लिए अगर आपको याद हो तो भैया ये आपके पास पाई डी 4/64 ये होता है, जब दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास जे या आईपी आता है, जो कि आता है पाई डी 4/32,
ठीक है ना, जे आपके पास आता है पाई डी 4/32, ठीक है, जे बटे में आर मैक्स यानी डी बाई टू का डिवाइड करोगे, जे बटे में आर मैक्स यानी डी बाई टू का डिवाइड करोगे तो आपके पास जवाब आता है पाई डी क्यूब बाई 16, पाई डी क्यूब बाई 16, तो भैया ये आपके पास जवाब आ जाता है पाई डी क्यूब बाई 16, ये आपका जेड पोलर आता है, पोलर सेक्शन मॉडुलस आता है, तो आपका जवाब जो हो जाएगा क्या, नन ऑफ दीज, ठीक है ना, नन ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 2L कैरीज ए UDL W पर यूनिट लेंथ, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द मिड पॉइंट विल बी। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं जब L लेंथ होती है, जब L लेंथ होती है तो ये सेंटर पर मोमेंट क्या था, WL² / 8। लेकिन अब आपके पास L की जगह लेंथ कितनी दी है, 2L, लेंथ कितनी है 2L, तो जैसे L की जगह 2L रखोगे, ठीक है ना, जैसे ही L की जगह 2L रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4WL² / 8, जो कि हो जाएगा WL² / 2, WL² / 2, तो जवाब आ जाएगा WL² / 2, ठीक है ना, जवाब जो आएगा WL² / 2 आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही लेंथ को 2L करा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ डेप्थ डी एंड ब्रेड्थ बी इज टू बी कट फ्रॉम ए सर्कुलर लॉग ऑफ डायमीटर डी, फाइंड द रेशियो ऑफ डेप्थ। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है, मैं इनको रीड आउट करता जा रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास है इसलिए मैंने एनलार्ज नहीं कर रखे हैं इनको ज्यादा, ठीक है, क्वेश्चन ये सारे आपके पास हैं, आपको जो है टेस्ट में आपने दिए हैं तो ये क्वेश्चन आपके पास सारे हैं, तो मैं उसी को ही रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ डेप्थ डी एंड ब्रेड्थ बी इज टू बी कट फ्रॉम ए सर्कुलर लॉग ऑफ डायमीटर डी, फाइंड द रेशियो ऑफ डेप्थ टू ब्रेड्थ, ठीक है ना। तो देखिए इसके इसका पूरा सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ये आपके पास सर्कुलर लॉग ऑफ वुड है, हाँ जी, ये डाया डी है, इसका डाया जो है ये कैपिटल डी, डाया जो है कैपिटल डी, विड्थ है बी और ये है स्मॉल डी, ठीक है ना, स्मॉल डी। अब देखो यहां से आप ये बोल सकते हो, यहां से आप ये बोल सकते हो कि भाई B² + D² = D² होगा, B² + D² = D² होगा, ठीक है, B² + D² = D² होगा, जेड जो है वो होता है BD² / 6। अब मुझे इसको मैक्सिमम करना है, मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमम करना है, यहां से D² जो है उसको मैं ये लिख सकता हूं D² - B², तो लिख दिया हमने D² - B², एक वेरिएबल के रूप में ले आते हैं हम, एक वेरिएबल के रूप में ले आते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो BD² और B³, ठीक है ना, ये तो जेड आया, डी जेड बटे में डी बी जीरो कर दो, अगर मैक्सिमम चाहिए तो डी जेड बटे में डी बी जीरो कर दो, डी जेड बटे में डी बी जीरो कर दो, तो आपके पास क्या आया, यहां से आया D², ठीक है ना, और यहां से आया 3B², ठीक है ना, by 6 = 0, डी जेड बटे में डी बी जीरो करना है, तो यहां से 6 तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया, यहां पर बचा क्या, D² - 3B² = 0, तो D² = 3B², तो B² = D² / 3, B = D/√3, और जो D आएगा वो आपको पता ही है कि D² बराबर क्या है, ऊपर आपने लिखा ही है, ठीक है ना, ऊपर आपने लिखा ही है कि D² बराबर है D² - B², तो ये यहां से आ गया D² - D² / 3, तो ये आ गया 2D² / 3, 2D² / 3, तो D कितना आ जाएगा, D कितना आ जाएगा भैया, ये तो D² आया, D² = 2D² / 3 आया, तो D कितना आएगा, D आएगा √2/3 D। अब B/D करोगे तो √1/√2 आएगा भाई, B/D करोगे तो 1/√2 आएगा, और D/B करोगे तो √2 आएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे D/B पूछा है, तो √2, D/B जो है वो √2 होगा, ठीक है ना, √2, ठीक है, D/B आएगा √2। क्वेश्चन नंबर 48 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49 क्या कह रहा है, ये इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि ये गलत है गलत है गलत है, नहीं भैया ये बिल्कुल सही है, कैसे सही है, तो देखिए, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान एल विद ए
लोड डब्ल्यू एट द फ्री एंड एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर एंटायर लेंथ ऑफ इक्वल टू लोड डब्ल्यू। तो इसका मतलब आपका पहला वाला तो हो गया डब्ल्यू एल क्यूब बाई थ्री आई, ठीक है ना, पहला वाला तो हो गया डब्ल्यू एल क्यूब बाई थ्री आई, और दूसरा वाला जो हो जाएगा डब्ल्यू एल फोर जो है डब्ल्यू इंटू एल जो है ना डब्ल्यू इंटू एल वो हो जाएगा लोड, ठीक है ना, डब्ल्यू इंटू एल जो है वो कैपिटल लोड डब्ल्यू हो जाएगा, टोटल लोड के रूप में दिया है, यूडीएल को टोटल लोड के रूप में दिया है, ठीक है ना डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा डब्ल्यू एल क्यूब बाई थ्री आई और ये आ जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब बाई ए टी आई। भैया डब्ल्यू इंटू एल को कैपिटल डब्ल्यू लिख दिया है, डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू लोड इंटेंसिटी है, ये वाला जो डब्ल्यू घुमा के लिखा है ना ये लोड इंटेंसिटी है, और ये डब्ल्यू इंटू एल जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये लोड बन जाएगा, ठीक है ना। तो डब्ल्यू एल क्यूब बाई ए टी आई, तो यहां से ई आई कैंसिल हो गया, डब्ल्यू एल क्यूब से डब्ल्यू एल क्यूब कैंसिल हो गया, एट बाई थ्री आएगा। अब ऑप्शन में एट बाई थ्री है क्या? ऑप्शन में एट बाई थ्री नहीं है, कोई बात नहीं, एट बाई थ्री 2.67 होता है, 24 बाई नाइन भी 2.67 होता है। एट बाई थ्री को अगर मैं ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर दूं तो 24 बाई नाइन आ गया। भैया ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 24 बाई नाइन, बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट किया जबकि इसका आंसर बिल्कुल सही है 24 बाई नाइन। ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, इफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए टॉर्क टी एंड ए बेंडिंग मोमेंट एम, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस, देखिए अलग अलग टाइम पर लग रहे हैं, ठीक है ना, एक बार तो लग रहा है टी, एक बार लग रहा है एम, तो इसके रेशियो की बात करूं, जब टी लग रहा है तब शियर स्ट्रेस कितना आएगा, तो 16 टी बटे पाई डी क्यूब आता है। भैया अभी अभी मैंने आपको एक बताया था टी बराबर क्यू मैक्स इंटू जेड पोलर, और जेड पोलर मैंने निकाला भी था, जेड पोलर मैंने निकाला भी था पाई डी क्यूब बाई 16, ठीक है ना, पाई डी क्यूब बाई 16। तो यहां से क्यू मैक्स जो है 16 टी बटे पाई डी क्यूब आ जाएगा, 16 टी डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब, ठीक है, 16 टी डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। और ऐसे ही एम जो होता है वो क्या होगा, एफ मैक्स इंटू जेड, ठीक है, तो ये आपके पास एफ मैक्स क्या आ जाएगा, एम बाई जेड, और जेड क्या होता है पाई डी क्यूब बाई 32, जेड क्या होता है पाई डी क्यूब बाई 32, वो तो जेड पोलर था और ये सिंपल जेड है, ठीक है ना, सेक्शन मॉडुलस, तो 32 एम बाई पाई डी क्यूब। अब इनका रेशियो ले लोगे तो टी बाई 2m, टी बाई 2m, पहले क्यू मैक्स है बाद में एफ मैक्स है, एक बार देख लेते क्वेश्चन में, हाँ जी, पहले शियर है शियरिंग स्ट्रेस और बाद में आपका बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है ना, तो टी बाई 2m आ जाएगा, ठीक है, जो पहले उसे ऊपर रखेंगे जो बाद में उसे नीचे रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, द स्टैंडर्ड गेज लेंथ ओवर विच द एक्सटेंशन इज टू बी मेजर। भैया ये तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड में भी दिया हुआ है, 5.65 रूट एरिया, जो इनिशियल एरिया बोल लो या रूट एस जीरो, ठीक है ना, इनिशियल एरिया लेना है, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, ठीक है ना, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द कर्वेचर एंड रिफ्रेक्शन करेक्शन अप्लाई टू द स्टॉप रीडिंग रेस्पेक्टिवली। देखो एक है करेक्शन और एक है एरर, ठीक है ना, एक तो करेक्शन और एक है एरर। देखिए कर्वेचर जो एरर है आपको, जिसे आपको देखना किसके अबाउट था, लेवल लाइन के अबाउट, पर आप देख किसके अबाउट रहे हैं, अभी तक तो आप ये मान रहे कि हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट देख रहे हैं, तो आपकी रीडिंग करेक्ट ट्रू वैल्यू तो ये थी और आपने मेजर ये किए, तो जवाब आता है सीटीएम, करेक्शन बराबर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू स्मॉलर है, मेजर्ड वैल्यू लार्जर है, तो इसका मतलब करेक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है ना, करेक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव, किसका बोल रहा हूं मैं, कर्वेचर का, ये कर्वेचर के कारण है करेक्शन नेगेटिव, जो ये कर्वेचर के कारण है, कर्वेचर के कारण जो है करेक्शन नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, और एरर पूछता तो एरर पॉजिटिव, एरर पूछता तो एरर पॉजिटिव, क्योंकि करेक्शन और एरर का साइन जो होता है अपोजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्रेक्शन, अब रिफ्रेक्शन में क्या है, आप सोच रहे हो कि आप सीधी रीडिंग ले रहे हो स्ट्रेट लाइन के अबाउट, हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट, लेकिन रियल में ये रिफ्रेक्ट हो गई, ठीक है ना, आप ऐसा सोच रहे हो कि आप रीडिंग जो ले रहे हो स्ट्रेट लाइन के अबाउट ले रहे हो, पर ये रिफ्रेक्ट हो गई, रिफ्रेक्ट हो गई, तो भैया इसने जो रीड किया वो कुछ नीचे वाला पॉइंट किया, इसके हिसाब से, रिफ्रेक्शन के हिसाब से बात करूं तो ये ट्रू है और ये मेजर्ड है, तो भैया सीटीएम, तो रिफ्रेक्शन वाले केस में, भैया पिछला तो था कर्वेचर का केस और ये रिफ्रेक्शन का केस है,
तो सी टी एम यहाँ पर जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ गई है, यहाँ पर जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आ गई है, ठीक है। तो रिफ्रेक्शन करेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव, और कर्वेचर करेक्शन कैसा हो गया, जो पहले बताया था, कर्वेचर करेक्शन कैसा हो गया, कर्वेचर वाला करेक्शन कैसा हो गया, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि सी टी एम करना है तो कर्वेचर करेक्शन नेगेटिव और रिफ्रेक्शन करेक्शन पॉजिटिव। एरर कहोगे तो उल्टी है, यानी साइन अपोजिट होंगे। तो आपसे पूछा है कर्वेचर वाला तो नेगेटिव हो गया और रिफ्रेक्शन वाला पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, ए सर्वेयर कंपास इज यूज टू डिटरमाइन, भैया देखो इसकी तो ट्रिक याद कर लो, तरीका याद कर लो, भूल जाते हो तो तरीका याद कर लो। देखो दो तरीके के, दो कंपास आप बात करते हो, एक तो आप बात करते हो सर्वेयर और एक आप बात करते हो प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का ये सी पकड़ो, सी से सर्कल, तो ये हो गया होल सर्कल बियरिंग, सी से सर्कल, तो ये हो गया होल सर्कल बियरिंग, ठीक है ना। और सर्वेयर लास्ट अल्फाबेट पकड़ रहा हूं मैं, लास्ट अल्फाबेट पकड़ रहा हूं, ये आर, आर से रिड्यूस्ड बियरिंग, आर से हो गई रिड्यूस्ड बियरिंग, ठीक है ना, होल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग। तो आपसे सर्वेयर का पूछा है, ठीक है, आपसे सर्वेयर का पूछा है, ए सर्वेयर कंपास इज यूज्ड टू डिटरमाइन रिड्यूस बियरिंग ऑफ ए लाइन, रिड्यूस बियरिंग ऑफ ए लाइन, ठीक है, रिड्यूस बियरिंग ऑफ ए लाइन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, भैया अगर आपको इस पे प्रॉपर ना दिखाई दे रहा तो आपके टेस्ट में है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। एंड ऑब्स्टेकल विच ऑब्स्ट्रक्ट चेनिंग एंड रेंजिंग में भी, भैया जो दोनों को ऑब्स्ट्रक्ट करता है वो बिल्डिंग है, ठीक है ना, जो दोनों को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा वो बिल्डिंग है। रिवर और लेक किसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, चेनिंग को, हिलॉक किसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रेंजिंग को, और बिल्डिंग किसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, दोनों को, तो दोनों का पूछा है तो यह आंसर आ जाएगा बिल्डिंग। द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू सैग ऑफ चेन और टेप इज नोन एज, भैया सैग के कारण जो एरर होगी, चलिए बात करते हैं सैग के कारण एरर की, ठीक है ना, सैग के कारण एरर की यह है सैग, ठीक है ना, जो झोल खाता है वो अपना हो गया सैग। अब वास्तविक रीडिंग तो ये थी, ट्रू तो ये था, और मेजर्ड ये है, तो भैया ये मेजर्ड जो है ये तो लटकी हुई वैल्यू तो ज्यादा होगी, भाई किसी भी चीज की लटकी हुई लंबाई, तो सीधी लंबाई कम, लटकी हुई लंबाई तो ज्यादा होगी, तो ये तो ज्यादा रीडिंग पड़ेगा। तो आपके पास जवाब है सी टी एम करेक्शन बराबर ट्रू माइनस मेजर्ड वैल्यू। भैया ये एरर करेक्शन का चैप्टर पढ़ना हो तो मैंने लाइव क्लास ली थी आज से 2 साल पहले के, लाइव क्लास आपको मिल जाएगी पूरा टेप करेक्शन के ऊपर, ठीक है ना, तो डिटेल उसमें दी हुई है, ठीक है ना। तो करेक्शन बराबर ट्रू माइनस मेजर्ड, तो भैया ये नेगेटिव आएगा क्योंकि मेजर्ड बड़ा है, और एरर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि एरर का साइन हमेशा करेक्शन के अपोजिट रहता है, और ये क्यूमुलेटिव नेचर की होती है, बार बार रिपीट होती है तो बार बार उसी साइन की होगी, तो सेम नेचर होता है तो उसको क्यूमुलेटिव कहते हैं, सेम नेचर होता है तो उसको क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव कहते हैं। तो आपके पास आ गया एरर जो है क्यूमुलेटिव पॉजिटिव है, एरर जो है वो क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर है, ठीक है। और अगर नेचर आपका कैसा होता है, कभी प्लस कभी माइनस, तो उसको कंपनसेटिंग कहते हैं। तो यहां पर तो आपका क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर है क्योंकि आपका क्या होगा, वैल्यू ज्यादा पड़ेगा, भैया वैल्यू जो है ज्यादा पड़ेगा, ये लटका हुआ जो है ये ज्यादा हिस्सा होगा, ठीक है ना, लटके हुए कारण ये हिस्सा बढ़ जाएगा, ये मेजर्ड है ये ट्रू है। तो आपके पास एरर क्या है, ईएमटी या सीटीएम, ऐसे याद कर ले, तो आपके पास मेजर्ड ज्यादा है ट्रू से तो ये पॉजिटिव एरर हो गई, और हर बार रिपीट होगी तो क्यूमुलेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 55 का हो जाएगा क्यूमुलेटिव पॉजिटिव एरर। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, फॉर ए ट्रायंगल एट द अर्थ सरफेस हैविंग एन एरिया ऑफ 195 किलोमीटर स्क्वायर द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ एंगल इन प्लेन ट्रायंगल एंड स्फेरिकल ट्रायंगल, भैया ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है ना, किसी बुक में 195 किलोमीटर स्क्वायर है, किसी में 195.5 है, किसी में 200 किलोमीटर स्क्वायर है, और जो डिफरेंस इन एंगल होगा स्फेरिकल ट्रायंगल और प्लेन ट्रायंगल के बीच 1 सेकंड, भैया प्लेन ट्रायंगल, प्लेन ट्रायंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल, इनके बीच एंगल का डिफरेंस अगर 195 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है तो इनके बीच डिफरेंस इन एंगल होता है 1 सेकंड, तो जवाब हो जाएगा 1 सेकंड, ठीक है ना, जवाब हो जाएगा 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लॉन्गर कॉर्ड ऑफ 250 मीटर रेडियस कर्व हैविंग डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो भैया ये तो सीधे सीधे इसका तो जवाब है 2r sin delta डेल्टा बाई 2, 2r sin delta by 2, सीधा सीधा फॉर्मूला 2r sin delta by 2,
टू आर कितना है 250 मीटर है, साइन डेल्टा बाई टू यानी साइन 45 डिग्री हो गया, तो 2R साइन 45 डिग्री जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 250 इंटू ये 0.707। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये लगभग 500 हो गया, 500 इंटू 0.7 लगभग 350 के आसपास, तो एक ही ऑप्शन है ये 353.6, तो ये आपके पास जवाब हो गया, ठीक है ना, 353.6। तो क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट है, जब आपका क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन है तो वो आपको किसको रिप्रेजेंट करेगी, स्टीप स्लोप को, क्लोजली स्टीप स्लोप को करेगी, दूर दूर है तो जेंटल स्लोप को करेगी, और एक समान दूरी है तो आपका किसको, यूनिफॉर्म स्लोप को करेगी, और आपका स्ट्रेट है, पैरेलल है, यूनिफॉर्म स्पेसिंग है, तो वो आपका प्लेन सरफेस हो गई, ठीक है ना। तो क्लोजली स्पेस्ड है, पास पास है, तो वो आपका रिप्रेजेंट करेगी स्टीप स्लोप को। क्वेश्चन नंबर 59, द फिक्स ऑफ प्लेन टेबल फ्रॉम थ्री नॉन पॉइंट इज गुड इफ, अगर मिडिल स्टेशन नियरेस्ट होगा, अगर मिडिल स्टेशन नियरेस्ट होगा तो भैया आपका फिक्स ऑफ प्लेन टेबल जो होगी वो गुड होगी, और सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल पर हो गया तो वो बेकार हो जाएगी, ठीक है ना, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल पर हो गया तो बेकार हो जाएगी। कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का रिड्यूस लेवल करना है, इफ द स्टाफ रीडिंग एट द पॉइंट ए एंड बेंचमार्क इज 2.8 एंड 2.5 मीटर रेस्पेक्टिवली, द रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंचमार्क इज 100 मीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है ए पर जो रीडिंग ली, ठीक है ना, वो 3 मीटर है, सॉरी 2.8 मीटर है, ए पर जो रीडिंग ली वो 2.8 मीटर है, और जो बेंचमार्क है जिसका आरएल 100 है, जिसका आरएल 100 है, उस पर रीडिंग जो है वो 2.5 मीटर है, उस पर रीडिंग जो है वो 2.5 मीटर है, तो 100 में ये 2.5 जोड़ा तो ये एच आई आ गई, 102.5, ठीक है ना, 100 में 2.5 जोड़ा तो ये एच आई आ गई, और एच आई में से ये फोर साइड घटाई, ठीक है, एच आई में से ये वैल्यू घटाई तो ये आपके पास 102.5 माइनस 2.8 यानी 99.7, तो आपके पास जवाब आ गया 99.7। ठीक है, 99.7। अगला नेक्स्ट जो है आपके पास 60 हो गया, 61, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द करेक्शन फॉर कर्वेचर, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट। ये सही है, देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या है इसका फॉर्मूला, डी स्क्वायर बाई टू आर माइनस का डी स्क्वायर बाई टू आर, ये करेक्शन फॉर कर्वेचर है, और इसका 1/7 हिस्सा और साइन चेंज कर देंगे तो वो करेक्शन फॉर रिफ्रेक्शन है, ठीक है ना, तो करेक्शन फॉर कर्वेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगी, इट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड द इंस्ट्रूमेंट। ये सही है, तो आपका ये जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 61 का। क्वेश्चन नंबर 62, रिमूवल ऑफ पैरालैक्स में भी, भैया पैरालैक्स का रिमूवल, पहले अपन आई पीस को रोटेट करते हैं डिस्टिंक्ट विजन ऑफ क्रॉस एयर, क्रॉस एयर अलग से दिखाई दे जाए, और फिर ऑब्जेक्ट पीस को रोटेट करते हैं जिससे कि जो क्रॉस एयर जो इमेज है, इमेज क्रॉस एयर के प्लेन में आ जाए, इमेज क्रॉस एयर के प्लेन में आ जाए, तो आपका जवाब हो जाएगा रीफोकसिंग दी आई पीस एंड दी ऑब्जेक्टिव, रीफोकसिंग दी आई पीस एंड दी ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 63, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन 48 डिग्री 20 मिनट है और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट है, द ट्रू बियरिंग, देखिए इसमें आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आप ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ बनाया करो, सबसे पहले ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ वर्टिकल बना दो बस। अब आप देखो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है वो 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट है, 5 डिग्री 38 मिनट ईस्ट है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। अब आपको एंगल जो दिया वो कितना है, अब आपको जो एंगल दिया वो देखते हैं, वो एंगल दिया है 48 डिग्री 20 मिनट, एंगल दिया 48 डिग्री 20 मिनट, ठीक है ना, एंगल जो दिया है 48 डिग्री 20 मिनट, किससे, मैग्नेटिक बियरिंग दी है, मैग्नेटिक नॉर्थ से 48 डिग्री 20 मिनट। तो अगर आपको ट्रू नॉर्थ से चाहिए, ट्रू बियरिंग चाहिए, ट्रू नॉर्थ से चाहिए, तो दोनों को ऐड करोगे तो 48 डिग्री 20 मिनट प्लस 5 डिग्री 38 मिनट, तो यहां से ये 8, ये 5, ये 8 और 5 13, और ये 53 डिग्री और 58 मिनट, 53 डिग्री 58 मिनट। तो ये जवाब आ गया 53 डिग्री 58 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64,
क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन। भैया सबसे पहले वेदरिंग होगी, ठीक है ना, वेदरिंग होगी, ठीक है ना, इरोजन वगैरह, और ये वेदरिंग होगी। उसके बाद वो कुछ सॉइल वहां रुक जाएगी, जो रुक जाएगी, जो रह गई, रुक गई या रह गई, वो रेजिडुअल, और जो बह गई वो ट्रांसपोर्टेड। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसके बाद, और ट्रांसपोर्ट होके कहीं तो डिपोजिट होगी, फिर डिपोजिशन, फिर अपहीवल, जिसको अपन कहते हैं खलबली। तो वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल, अपहीवल, खलबली, और ये पूरी सर्कल क्या होगा, साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 64 का आ जाएगा ये डी ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन 65, रेजिडुअल सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय, इसमें लिख रखा है रेजिडुअल सॉइल किससे बन रही है, ग्लेशियर, विंड, वाटर। भैया ये तीनों तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार हैं, ग्लेशियर भी, विंड भी, वाटर भी, ये तीनों तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो जवाब आ जाएगा नन ऑफ दी अबव, ठीक है ना, इनमें से कोई भी रेजिडुअल के लिए जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन, देखो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। कह रहा वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन, सॉइल का वाटर कंटेंट क्या हो सकता है, पहले तो बात करें सॉइल का वाटर कंटेंट क्या हो सकता है। भैया इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती, क्योंकि वाटर कंटेंट होता क्या है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होगी, ठीक है ना। तो वाटर कंटेंट जो है वो जीरो से बड़ा और बराबर होता है। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है, इसके एक बार क्वेश्चन का वो सॉल्यूशन पढ़ते हैं, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, ठीक है ना, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, तो गलत बात है भाई, 100% ज्यादा हो सकता है, कोई अपर लिमिट है ही नहीं। मैंने अभी अभी आपको बताया भाई, वेट ऑफ वाटर जब जीरो होगा, तो वेट ऑफ वाटर जब जीरो होगा तब ये जीरो के बराबर, वेट ऑफ वाटर जब आपका कुछ वैल्यू होगा तो जीरो से बड़ा, ठीक है। वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से कम भी हो सकता है, और वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा भी हो सकता है। तो नेवर बी ग्रेटर देन 100% गलत बात, 100% से ज्यादा हो सकता है, बेंटोनाइट वगैरह के लिए 400% तक होता है, ठीक है ना। टेक वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100%, ये भी गलत बात हो गई, क्यों, क्योंकि 100% से ज्यादा होता है, और ये कह रहा है ओनली फ्रॉम, वर्ड ऑनली नहीं आता तो भी हम बात करते, ठीक है ना। बी लेस देन 0%, नेगेटिव, नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। बी ग्रेटर देन 100%, तो देखो यहाँ पे ऑनली वर्ड नहीं है, ये कह रहा है कि सॉइल का वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सॉइल का वाटर कंटेंट 100% से ज्यादा बिल्कुल हो सकता है। तो आपके पास जवाब आ गया बी ग्रेटर देन 100%। क्वेश्चन 67, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इज ग्रेटर देन यूनिट वेट ऑफ वेट सॉइल, भैया जो ड्राई सॉइल का यूनिट वेट ग्रेटर देन होगा वेट सॉइल से, गलत बात भैया। ड्राई सॉइल जो है, ड्राई सॉइल के यूनिट वेट में क्या क्या होगा, ड्राई सॉइल के यूनिट वेट में क्या क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड बटे में वॉल्यूम, ठीक है ना। और वेट वेट सॉइल के में क्या होगा, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड बटे में वॉल्यूम, शायद अगर वेट ऑफ सॉइल गलती से बोल दिया है तो वेट ऑफ सॉलिड है, डब्ल्यू एस वेट ऑफ सॉलिड है, ठीक है ना। वेट ऑफ सॉलिड बटे में वॉल्यूम आपका हो जाएगा ड्राई वाला, और वेट वाला होगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट वॉल्यूम, यानी टोटल वेट आ गया, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई ये ज्यादा, ठीक है ना, ये ज्यादा और दूसरा वाला कम हो जाए। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ड्राई सॉइल का ये ज्यादा आ जाए और ये कम, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना, ऐसा हो नहीं सकता, ये गलत है, ठीक है। अगला, फॉर ड्राई सॉइल ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट, ये भी गलत है, क्यों, जब सॉइल ही ड्राई हो गई तो गामा और गामा डी सेम ही हो गए, भैया जब सॉइल ड्राई हो गई वाटर ही नहीं है, यानी गामा भी डब्ल्यू एस बटे में भी हो गया और गामा डी भी डब्ल्यू एस बटे में भी हो गया, जब आपके पास वाटर ही नहीं है, सॉइल ही ड्राई है ना, कह रहा ना फॉर ड्राई सॉइल्स ड्राई यूनिट वेट इज लेस देन टोटल यूनिट वेट, नहीं, ड्राई सॉइल के लिए ड्राई यूनिट वेट और टोटल यूनिट वेट जो है वो सेम होगा भैया। यूनिट वेट ऑफ सॉइल इंक्रीज ड्यू टू सबमर्जेंस, नहीं भैया, यूनिट वेट सबमर्जेंस से बढ़ता नहीं है, घटता है। सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, सैचुरेटेड माइनस वाटर का यूनिट वेट, तो भैया ये घटता है, बढ़ता नहीं है। तो सही जवाब है लास्ट वाला, यूनिट वेट ऑफ सॉइल डिक्रीजेस ड्यू टू सबमर्जेंस इन वाटर, ठीक है ना। तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा, तो 68 का, तो 67 का जो जवाब हो गया डी 68। इफ द सैंड एंड सैंड इन सिटू इज इन इट्स डेंसेस्ट स्टेट, तो भैया डेंसेस्ट स्टेट में है तो आपसे क्या पूछा है, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, आप जानते हैं आई डी या डी आर जो होता है, ये ई मैक्स माइनस ई, देखो ये परसेंटेज में नहीं पूछा इसलिए परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं कर रहा मैं, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। तो जब आपसे ये कह रहा है कि भाई डेंसेस्ट स्टेट में, स्टेट डेंसेस्ट है, घनत्व अधिकतम है, तो भैया ई न्यूनतम होगा,
ई क्या है, रिक्तियां, खाली जगह, void, ठीक है। तो भैया ई जो है वो मिनिमम होगा, तो ई बराबर ई मिनिमम आ गया। जैसे ई बराबर ई मिनिमम रखोगे तो ऊपर हो जाएगा ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, नीचे हो जाएगा ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, कट करके एक रह जाएगा, जवाब आ गया 1। तो 68 का बी, 69। When the plastic limit of soil is greater than the liquid limit, the plastic index is reported as। भैया plastic index को कभी भी negative report नहीं करते, इसलिए plastic index कैसी report होगी? Zero, ठीक है ना? Plastic index कैसी report होगी? Zero। ये code कहता है plastic index को कभी भी negative report नहीं कर सकते। Plastic index होता क्या है? WL minus WP। जब आप कह रहे हो कि WL छोटा है, ठीक है ना, WP बड़ा है, WP is greater than WL, ठीक है ना, तो भैया प्लास्टिक इंडेक्स नेगेटिव कैलकुलेट हो रही होगी, तो नेगेटिव कैलकुलेट होती है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं जीरो। और सॉइल अगर पूछता, सॉइल को क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे नॉन प्लास्टिक। पर ये तो पूछ रहा है कि प्लास्टिक इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो प्लास्टिक इंडेक्स रिप्रेजेंट होगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 70। द हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस ए क्विक कंडीशन इन ए सैंड स्ट्रेटम ऑफ थिकनेस 1.5 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 एंड वॉइड रेशियो 0.67। तो आपको हाइड्रोलिक हेड पूछा है। अब आप क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जानते हो भाई, क्रिटिकल ग्रेडियंट आप जानते हो आईसी, आईसी बराबर ये आपका एच बाई एल हो जाता, इक्वल टू जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई। तो भैया यहां से जो एच है, जो हाइड्रोलिक हेड जो इसके लिए आएगा, तो वो आपके पास जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ई इंटू में एल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जी कितना है? 2.67, वन वन प्लस 0.67, और जो ये थिकनेस है यानी जो लेंथ है वो है 1.5, तो 1 इंटू 1.5 आपका 1.5 मीटर आ जाएगा, 1 इंटू 1.5 आपका 1.5 मीटर आ जाएगा, तो जवाब हो गया 1.5। आपसे हेड पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71। If the shearing stress is zero on two plane, then the angle between two plane। भैया shearing stress zero होते किस पे होते हैं? Principal plane पर। ये soil के contest में पूछा है भैया, ये soil के contest में पूछा है मैंने, ठीक है ना। तो principal plane पर shear stress क्या होता है? Zero होता है। प्रिंसिपल प्लेन पर शियर स्ट्रेस क्या होता है? जीरो होता है। तो दो प्रिंसिपल प्लेन आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, दो प्रिंसिपल प्लेन आपस में 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। जैसे अपन इसमें बात करते हैं, पहले आप क्या लगाते हो? कन्फाइनिंग लगाते हो, फिर डेविएटर लगाते हो, ठीक है ना, फिर डेविएटर लगाते हो, तो ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन हो गया, ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन हो गया, तो आपका ये जो है आपस में किस पे होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। तो जवाब आ जाएगा 90 डिग्री, जवाब आ जाएगा 90 डिग्री। इन शियर स्ट्रेस ऑन कोहेशनलेस सॉइल, इफ द इनिशियल वॉइड रेशियो इज लेस देन द क्रिटिकल वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल, द सैंपल विल, देखो आपसे कह रहा है, इफ द शियर टेस्ट ऑन कोहेशनलेस सॉइल, इफ द इनिशियल वॉइड रेशियो इज लेस देन द क्रिटिकल वॉइड रेशियो, यानी आपका क्या है? सॉइल डेंस है। सॉइल कैसी है? डेंस है। डेंस सॉइल के लिए क्या होगा? डेंस सॉइल के लिए क्या होगा? देखो, अगर क्रिटिकल वॉइड रेशियो से ज्यादा होता है, अगर क्रिटिकल वॉइड रेशियो से ज्यादा होता है तो वॉल्यूम घटता जाता है, लेकिन अगर क्रिटिकल वॉइड रेशियो से कम होता है तो पहले वॉल्यूम घटता है और फिर वॉल्यूम बढ़ता है, फिर वॉल्यूम बढ़ता है। ये ई सी आर है, ये ई लेस देन ई सी आर है जो कि डेंस सॉइल हो गई, और ये ई ग्रेटर देन ई सी आर है, ठीक है ना। तो इनिशियली डिक्रीज देन इंक्रीज इन वॉल्यूम, इनिशियली डिक्रीज देन इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो ये आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। पैसिव प्रेशर इन सॉइल एसोसिएटेड विद, भैया पैसिव प्रेशर क्या करता है? पैसिव प्रेशर क्या करता है? सॉइल को कंप्रेस करेगा लिटरली। पैसिव प्रेशर में जो वॉल का मूवमेंट कहां होता है? टुवार्ड द फिल। वॉल का मूवमेंट कहां होगा? टुवार्ड द फिल। तो यहां जो सॉइल होगी उसको क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, टुवार्ड द फिल होगा, तो सॉइल को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा, लेटरल कंप्रेशन ऑफ सॉइल। क्योंकि अपन एक्सियल डायरेक्शन लेते हैं वर्टिकल, तो उसके परपेंडिकुलर ये वाली डायरेक्शन अपन लेते हैं लेटरल, तो लेटरल कंप्रेशन ऑफ सॉइल कॉज करेगा। इन एसपीटी टेस्ट गिव द एवरेज ब्लो काउंट ऑफ 32 इन फाइन सैंड बिलो वाटर टेबल, देन व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ ब्लो काउंट, ठीक है। तो भैया इसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है क्या? 15 प्लस एन माइनस 15 बाई 2, ठीक है ना। तो 15 प्लस 32 माइनस 15 बाई 2, तो 32 माइनस 15 हो जाएगा 17, 17 बाई 2 हो जाएगा 8.5, 8.5 प्लस 15 23.5, तो जवाब आ जाएगा 23.5। लास्ट क्वेश्चन 75, ठीक है ना। क्वेश्चन
कोर्स ग्रेन सॉइल आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय, आपको भी पता है कोर्स ग्रेन सॉइल वाइब्रेटरी रोलर से बेस्ट कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है। तो ये आपके जो है आज का सॉल्यूशन जो है अपलोड किया गया है, अपलोड किया जा रहा है, और नेक्स्ट पेपर के ऐसे ही आपको अपलोड किए जाएंगे। इसके अलावा आपका जिस जिस टीचर का जो जो पार्ट है वो टीचर वो सॉल्व कराते जाएंगे।